वेलकम टू टीचिंग रॉ। इस ट्यूटोरियल में हम जो है वो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इस ट्यूटोरियल में जो है वो हम फ्लेक्स बॉक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। एक डिस्प्ले को पढ़ेंगे हम, फ्लेक्स डायरेक्शन को पढ़ेंगे, जस्टिफाई कॉलम को पढ़ेंगे, जस्टिफाई कॉन्टेंट को पढ़ेंगे, अलाइन आइटम को पढ़ेंगे, फ्लेक्स रैप को पढ़ेंगे, अलाइन कॉन्टेंट को पढ़ेंगे, गैप को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स जो कि शॉर्ट हैंड है फ्लेक्स ग्रो श्रिंक एंड बेसिस का, एंड अलाइन सेल्फ को भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम ऑर्डर को पढ़ने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज के अंदर। सो बिना किसी टाइम को जाया कि हम स्टार्ट करते हैं। सो हेयर इज द थ्री आइटम्स ऑफ इनसाइडर डिव, इनसाइडर कंटेनर, वी कैन से ये तीन जो है वो आइटम्स है, तीन डिव्स हैं फ्लेक्स के कंटेनर के अंदर हमने जो बनाया हुआ है। तो कंटेनर को जब हमने जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया तो हम चाहते हैं कि ये तीन जो है ये कुछ डिस्टेंस में आ जाए, तो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी जो है वो इसमें हम अप्लाई करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अप्लाई करने से ये होता है कि जो आइटम्स होते हैं वो तमाम आइटम्स सेंटर में आ जाते हैं और उसके अलावा जो स्पेसेस बचती हैं वो राइट और लेफ्ट साइड पे जो है वो ऐड हो जाती है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो रॉ होती है, तो अगर हम चाहें तो इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम कॉलम कर दें तो ये कॉलम के सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकल एक्सिस के वर्टिकली ये जो है वो आ जाएगा वाई एक्सिस पर, और बाय डिफॉल्ट जो है ये रॉ पर होता है, एक्स एक्सिस पर जो है वो होता है, तो हम जो बाय डिफॉल्ट को ही सेट रखते हैं फिलहाल। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि फ्लेक्स जस्टिफाई कॉन्टेंट की और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड क्या करता है, स्पेस अराउंड ये करता है कि इससे जो है वो तीन इक्वली पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देता है। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो है आइटम वन की कुछ स्पेसेस यहाँ है, कुछ स्पेसेस इक्वल स्पेसेस यहाँ है, ये करता ये है कि जितनी स्पेसेस राइट साइड पर देता है और स्टार्टिंग के राइट साइड पर और एंड के स्टार्टिंग के लेफ्ट साइड पर और एंड के राइट साइड पर जितनी स्पेसेस देता है उसकी डबल स्पेसेस ये रिमेन्स जो आइटम्स होते हैं उनकी लेफ्ट और राइट साइड पर देता है। ये फ्लेक्स स्पेस अराउंड की जो है वो प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद जो होती है वो स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी होती है। स्पेस बिटवीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड पर जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के स्पेस नहीं देती, बल्कि उसके अलावा जो रिमेन आइटम रह जाते हैं तमाम स्पेसेस जो इक्वली स्पेसेस होते हैं वो उसके लेफ्ट और राइट साइड पर देते हैं। यहाँ पर जो है वो तीन आइटम्स है, अगर हम चाहें तो एक आइटम इंक्रीज करके देख लेते हैं, आइटम टू को हम दो बार लिख लेते हैं। तो ये जो है ये राइट और लेफ्ट साइड पर जो है वो स्पेसेस के अलावा जो बीच में आइटम्स रह जाते हैं उसमें जो है वो इक्वली स्पेसेस को डिवाइड कर देता है। ओके, तो हम रिमूव कर देते हैं एक आइटम को जो कि आइटम हमने ऐड किया था। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट की एक और प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। स्पेस इवनली क्या करता है, स्पेस इवनली ये करता है कि इसे जो है वो इक्वल स्पेसेस में डिवाइड कर देता है, ना कि राइट साइड पर जितनी स्पेसेस है उससे डबल स्पेसेस ये बिटवीन आइटम देगा, बल्कि ये इक्वली स्पेसेस में जो है वो डिवाइड कर देता है तमाम आइटम को लेफ्ट और राइट साइड रिस्पेक्ट से। अगर हम देखें किसी भी आइटम के तो सेम स्पेसेस है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आ जाता है अलाइन आइटम। अच्छा, ये हम रखने के साथ साथ जो है वो अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम क्या करता है, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स की डायरेक्शन जो होती है जस्टिफाई कॉन्टेंट जो है वो आइटम्स को उसी उस डायरेक्शन में सेट करता है, लेकिन अलाइन आइटम क्या करता है, अलाइन आइटम जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अलाइन आइटम सेंटर, तो ये वर्टिकल एक्सिस में कर देगा क्योंकि फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। इस तरीके से फ्लेक्स वर्क करता है। अगर हम चाहें तो इसे फ्लेक्स स्टार्ट भी कर सकते हैं तो ये स्टार्ट पर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी स्टार्ट अप्लाई कर सकते थे क्योंकि जस्टिफाई कॉन्टेंट की भी प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट और स्टार्ट। हम चाहें तो एंड सेट करते हैं लाइन आइटम के यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो है वो हम सेंटर भी जो है वो सेट कर सकते हैं। ओके, तो हम फिलहाल जो है वो एंड रखते हैं और इसे कमेंट कर देते हैं। ओके, इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाता है फ्लेक्स रैप। अच्छा, फ्लेक्स रैप क्या करता है, अगर हम आइटम्स को बहुत सारे ऐड कर दें, यहाँ पर तीन आइटम है, इसे हम कॉपी कर दें और इस आइटम को दोबारा से हम पेस्ट कर दें तो ये छह आइटम हो गए, रिपीट हो गए आइटम। आइटम के नेम भी जो है वो हम चेंज कर देते हैं, आइटम फोर कर देते हैं, आइटम फाइव कर देते हैं और आइटम सिक्स कर देते हैं। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइटम्स जो है ये यहाँ पर
इसकी लेंथ जो है वो कम होने लग गई है, इसकी जो विथ है वो कम हो रही है। हम चाहते हैं कि विथ कम ना हो, अगर जो है वो इस डिप से जो है वो आइटम्स जो है वो बाहर जाने लगते हैं, आइटम्स की लेंथ ज्यादा होती है और डिप की लेंथ कम होती है, तो फिर जो है हम फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी क्या करते हैं कि अगर हम इसे रैप कर देंगे तो जैसे ही ये आइटम जो है वो इससे बाहर जाने लगेंगे तो वो उसकी लेंथ को कम नहीं करेगा, बल्कि उसे जो है वो न्यू लाइन में लेकर आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जब फ्लेक्स रैप अप्लाई होता है तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो स्पेस बिटवीन होती है, हम चेक कर लेते हैं। अच्छे, जब फ्लेक्स रैप अप्लाई होता है तो इसके साथ काम करता है अलाइन आइटम, नहीं काम करता है अब अलाइन कॉन्टेंट। अलाइन कॉन्टेंट स्टार्ट, स्टार्ट जब होगा तो ये सारे आइटम जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगे, और इसके बाद जो आइटम रह जाएगा, इसकी स्पेस नहीं बनेगी, वो जो है वो इसके साथ ही स्टार्ट में आ जाएगा। ओके, हम एंड भी कर सकते हैं, एंड के अलावा जो है वो हम सेंटर भी कर सकते हैं, अलाइन कॉन्टेंट, अलाइन कॉन्टेंट सेंटर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि इसके, और हम बहुत सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर, फ्लेक्स जस्टिफाई कॉन्टेंट के अंदर। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हम इसके साथ साथ जो है वो हम जो है वो स्पेस बिटवीन रखें, सेंटर रखें, सेंटर के साथ साथ जो है वो हम इसमें कुछ स्पेसेस दे दें, तो हम ये जो है ये गैप की मदद से यूज करते हैं। गैप, गैप जो है वो 1 pixel 10 pixel, ओके 10 pixel का जो है वो हर आइटम में जो है वो गैप आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम कंटेनर के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये सारी प्रॉपर्टी जो अप्लाई की वो इस कंटेनर के अंदर की, और जो कि इस आइटम के, इस आइटम का बिहेवियर हमने देखा। ओके, अब हम जो है वो स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक जो है वो आइटम पर जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं फ्लेक्स की। इन सबको जो है वो हम कमेंट कर देते हैं, और सिर्फ अगर हमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो हमें कंटेनर के अंदर जो है वो अप्लाई करना होगा। ओके, अब जो है वो हम आइटम्स को जो है वो टारगेट करते हैं। आइटम वन को हम टारगेट कर लेते हैं। ओके, आइटम वन को टारगेट करने के बाद हम ये करते हैं कि ग्रो, हम यहाँ से जो है जो हमने ऐड किया था, हम जो है वो रिमन को जो है वो कमेंट कर देते हैं। ओके, इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ये ग्रो का क्या है, ग्रो क्या करता है। ग्रो बेसिकली ये करता है कि अगर हम चाहते हैं कि फ्लेक्स ग्रो, अगर ये आइटम्स हैं ये इक्वली स्पेस ले रहे हैं और रिमेन स्पेसेस जो है वो रह जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, आइटम वन जो है जो रिमेन स्पेसेस हो वो पूरी ले ले, आइटम टू और आइटम थ्री के बाद जो भी स्पेसेस बच जाए, तो हम अप्लाई कर देंगे फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो वन, फ्लेक्स ग्रो जो है वो रिमेनिंग स्पेसेस ले लेगा। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि फ्लेक्स ग्रो जो है वो वन स्पेसेस ले और फ्लेक्स ये जो है वो टू जो है आइटम की ये जो है वो ज्यादा स्पेसेस ले ले, तो हम जो इस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो जो है वो इक्वल स्पेसेस ले लेंगे, जो कि इस आइटम के बाद जो बचेंगे वो इक्वल इक्वल स्पेसेस में डिवाइड कर देंगे। ओके, हम चाहते हैं कि फ्लेक्स आइटम टू जो है वो डबल स्पेसेस ले फ्लेक्स आइटम वन से, तो हम इस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, अब जो है वो हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं फ्लेक्स आइटम वन पे, जो कि होती है श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है, फ्लेक्स श्रिंक की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ग्रो की प्रॉपर्टी। ओके, इसके साथ जो है वो हम श्रिंक लगाते हैं, श्रिंक जो है वो हम नंबर में देते हैं श्रिंक जीरो, हम जो है वो श्रिंक फोर कर देते हैं। अगर हम जो है वो इसकी स्पेस को कम करेंगे तो ये फोर टाइम्स ज्यादा श्रिंक होगा। अगर हम इसकी स्पेस को कम कर देते हैं इसकी, तो फोर टाइम जो है ये श्रिंक ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइटम टू एंड आइटम थ्री। ओके, अगर इसके साथ जो है वो हम टू टाइम्स भी कर सकते हैं अप्लाई करके। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक और प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लेक्स बेसिस की। अच्छा, फ्लेक्स बेसिस क्या करता है, हम जो है वो इसे कॉमेंट कर देते हैं। ओके, इसे भी कॉमेंट कर देते हैं। अच्छा, फ्लेक्स बेसिस ये करता है कि जो हमने आइटम्स की विथ दी हुई है, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री की, अगर हम इसे जो है वो अपडेट करना चाहते हैं, हमने जो लिखा था उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर फ्लेक्स बेसिस जो है वो हेल्प करता है हमें। फ्लेक्स बेसिस हमने जो है इसकी जो भी लेंथ दी, हम इसे 200 पिक्सल कर देते हैं, जो कि इससे ज्यादा होगी, तो ये 200 पिक्सल होगा। हम चाहते हैं कि हम इसे 100 पिक्सल करके कम कर, ये जो है वो कम हो जाएगी, फ्लेक्स बेसिस ये काम करते हैं। अच्छा, इनका जो शॉर्ट हैंड है वो शॉर्ट हैंड जो है वो है फ्लेक्स। फ्लेक्स जो है वो इनका शॉर्ट हैंड है आइटम वन, आइटम टू एंड आइटम थ्री का। ये करता है कि फर्स्ट जो है वो फ्लेक्स ग्रो आता है, सेकंड जो है वो श्रिंक आता है, और थर्ड वन जो है वो फ्लेक्स बेसिस आता है। इसे जो है वो अगर हम एक चीज लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वन लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये कंसिडर करेगा, तो हमें श्रिंक और इसे जो है जो बाय डिफॉल्ट है था वो वैल्यू दे देगा, और फ्लेक्स ग्रो के अंदर जो है ये वन वन काउंट कर लेगा, जो कि ये पूरी स्पेसेस ले लेगा।
अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है वो बाय डिफॉल्ट ये जीरो ग्रो जीरो होता है, इसे जो है वो श्रिंक हम टू कर देते हैं तो ये 10 कर देते हैं, ये 10 टाइम जो है वो फास्टर श्रिंक करेगा। अगर इसकी वैल्यू हमने 1 दे दी है, ये जो है अब हम इसे अगर कम करेंगे तो ये 10 टाइम जो है वो फास्टर जो है वो करेगा। ओके, इसके बाद जो है वो एक चीज हमारे जो है रुक चुकी रह जाती है, जो कि होती है सेल्फ अलाइन सेल्फ। हमारे जो अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी जो है जो है वो हमारी रह जाती है। अच्छा, अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, ये आइटम 3 हमने लिखा है, आइटम 2 को हम कंसिडर कर लेते हैं। ओके, आइटम 2 इस ऑर्डर को जो है वो मैं दोबारा से जो है वो कमेंट कर देता हूँ, इसे भी जो है वो कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब हम चाहते हैं कि आइटम 2 जो है वो सेंटर में आ जाए, तो ये हम जो है ये अलाइन सेल्फ से जो है वो यूज करते हैं इस तरीके से। अलाइन सेल्फ जो है वो सेंटर, इस तरीके से जो है वो अलाइन, जो ये थर्ड थर्ड में हमने अप्लाई किया था, थर्ड सेंटर में आ गया। अगर हम चाहते हैं कि 2 में अप्लाई करें तो हम कॉपी करते हैं और इसे भी जो है वो पेस्ट करते हैं, और ये भी जो है ये 2 में आ जाएगा, और इसे अनकमेंट कर देते हैं, दोबारा से ऊपर चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम सेल्फ की प्रॉपर्टी को जो है वो यूज करते हैं, आ जाते हैं ऑर्डर क्या आ जाते हैं, हम इसे जो है वो 1 के बजाय 3 कर देते हैं ऑर्डर देखने के लिए। 3 आइटम 3 ऑर्डर जो होता है वो ये होता है कि 1 2 3 सीक्वेंस हमने जो एचटीएमएल में ऑर्डर डिफाइन किया था, जो जिस पैटर्न से हमने जो है वो आइटम्स को लिखा था, आइटम 1 आइटम 2 एंड आइटम 3। अगर हम चाहते हैं कि हम आइटम 3 को पहले कॉल करें तो जो है वो हम ऑर्डर यूज करते हैं। ऑर्डर ये करता है कि हम जो है वो ऑर्डर की वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो जीरो होती है, और जिस पैटर्न से हम लिखते हैं वो पहले आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी की वैल्यू हम कम कर दें, फॉर एग्जाम्पल हम 3 की -1 कर देते हैं जो कि सबसे कम है, तो आइटम 3 जो है वो पहले आ जाएगी। ओके, हम इसके बाद ये चाहते हैं कि हम आइटम 2 को कॉल करें, आइटम 2 को, तो आइटम 2। ओके, आइटम 2 को जब हम कॉल करते हैं और उसके अंदर ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर के अंदर हम -1 लिखते हैं, तो फिर ये वो जो है वो सबसे पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर हम -2 लिखते हैं तो फिर वो जो है वो उसकी प्रियोरिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर हम इसे उठाकर इसके ऊपर लिखते हैं सीएसएस के अंदर, तो जो है वो अब यहाँ पर जो है इसे जो है वो यही पहले आ रहा है। आई थिंक इसे जो है वो हमें इंक्रीज करनी होगी, अगर हम ये 1 रख दें तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले आ जाएगी। ओके, ये हम देख लेते बाद में। ये थी फ्लेक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। अगर हम चाहें इसकी जो है वो -3 कर दें तो ये सबसे पहले आ जाएगा 2, और इसे जो है वो अगर हम -2 तक ले आए तो भी जो है वो पहले नहीं आएगा, -2। ओके, इस तरीके से जो है वो हमने सीख लिया फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।